हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर री व्लॉग। वैसे तो गुड मॉर्निंग, कल की व्लॉग में आपने देख ली होगी कैसे हमारे होश उड़े थे, और अभी थोड़ा सा वापस से हमारे को थोड़ा रिफ्रेशिंग फील कराने के लिए हमारी ब्रो जूस लाई है, वाटरमेलन। ये लाई है तो कौन लाई है यार, क्रेडिट दे देता तो इसको यार। भाई यार, वो जो काम करती है वो तो उसका तो क्रेडिट देने दिया करो, कम से कम शर्म तो करा करो थोड़ी सी यार। दुनिया में ऐसी लड़कियां भी होती हैं, मुझे अब यकीन हुआ। देख कितनी अच्छी भी यार। यार ये दोनों सही अरे यार भाई कसम, एक चीज तो पता है, मैं पता है इनको बहुत सीधा समझता था पहले, इसको बहुत सीधा। भाई तू भी सीधा, इसका मतलब बट मतलब इसका सीधा समझता है। नहीं, मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा यार एकदम सिंपल सी, मतलब एकदम सादा सिंपल ऐसे रहती है, ना ज्यादा बात करना किसी से ना कुछ करना, और अब समझ में आ रहा है कि इनकी चेताजी तो रुकती भी है। मेरे एंगेजमेंट में जो डांस था, मैं भूल गया था बीच में, तो मैंने कुछ नहीं कर दिया। मैंने कहा खड़े होकर बेइज्जती कराने से अच्छा कुछ नहीं कर दो। क्यूट हूँ एक तो इन्हें पूरे दिन ये क्यूट लगता रहे भाई। ये तो पंच लाइन है हमारे ब्लॉग की। आज बहुत घूमना फिरना है, आज क्या क्या आज का प्लान क्या है भाई ये बताओ। आज शॉपिंग, फन, घूमना, और हमारी ट्रिप तो कायदे में आज ही स्टार्ट हो जाएगी। मैं अच्छा खासा सुबह निकलता, आराम से दिन में आता, रात को ही बोले रात को निकल जाए तो सही रहेगा। निकल जाए, तेरे पे मेरा ज्यादा हक है, ठीक है। हाँ, तेरे पे किसी और का हक कम है, मेरा हक ज्यादा है सूरज पे, ठीक है। ये तेरा लेडी लक है। हाँ, ये लकी है, सही। तो बहुत मैच में नहीं गई। हाँ, तो क्या हुआ हमारा? ऑडियंस पता मुझे क्या पूछ रही है, आपने खुद की क्लिप नहीं डाली बैटिंग की, कैसे बताऊंगी जीरो पे आउट। हाँ, तो ये रोज ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पर होता है। ये ब्रेकफास्ट, ये ब्रंच है ये। हाँ, वही होता है, आप लोगों के साथ आती है, ब्रंच ही ब्रंच होता है। और ये हमारा टीपू, ये देखो पूरा गेवर खा गया। ये इतना छोड़ दे, बाकी सब खा लिया ना। खाया ये सही में खाया है तो नहीं खाया क्या आपने? थोड़ा सा खाया है। और ये झूठे, और वो कहाँ गया? वो देखो कौन सा केक खाया था इन्होंने, ये देखो आइसक्रीम केक याद खा गए। मैजिक दिखाता हूँ, अभी इसमें गेवर था। वाह, कहाँ है गेवर? अपन तो गेवर कहाँ है? तू पेट दिखाओ। चलो यार जल्दी ब्रेकफास्ट करो यार, अपन को फिर वहां चलना है शॉपिंग करने यार। सांभर बनाया मैं तो एकदम रेडी हूँ, बाकियों का पता नहीं। सबसे ज्यादा लेट कर रही है यशी, बस शूज पहनने मुझे। तो ये मेरा आज का ओओटीडी आउटफिट ऑफ द डे, कमेंट कर दो। ये टी-शर्ट मैंने नहीं ली है, ये मैं जींस 2 साल से पहन रहा हूं, ठीक है। जींस का तो यही सीन होता है, 3-4 खरीद लो वो चलती रहती है भाई। और अब मैं फीका पढ़ने वाला हूँ, देखो ओटीडी। अभी हम लोगों ने एक वीडियो शूट करा और इस गर्मी में जो बैंड बजी ना हमारी 15 मिनट में ही सब पसीने पसीने हो गए, लेकिन वीडियो बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा वीडियो बना, इंस्टाग्राम पे जरूर देखना। अब लखन भाई की आईडी पे डालेगा वो, मेरी आईडी पे नहीं है वो, नीतू नीतू भाभी की आईडी पे डालेगा वो। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, फाइनली सुबह से जा ही रहे हैं शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, अब फाइनली हम जा रहे हैं द मॉल ऑफ जयपुर, DLF द मॉल ऑफ जयपुर। आज यहाँ से करने वाले शॉपिंग, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ मॉल ऑफ इंडिया जयपुर। सॉरी 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 यार, मैं अभी तक जयपुर के उसमें हूँ, द मॉल ऑफ इंडिया। शॉपिंग के नाम पर बहुत ही कम, मतलब कपड़ों की तो कोई शॉपिंग नहीं हुई। ये लखन भाई ने शूज लिए हैं, और एक स्लीपर्स ली, और एक ये एक तरीके से आप कह सकते हो शर्ट है, शर्ट जैकेट जैकेट शर्ट और जैकेट का मिक्स बस। इसके अलावा कुछ शॉपिंग नहीं, बॉयज में बिल्कुल भी अच्छा कलेक्शन नहीं था, तो कुछ मन नहीं करा लेने का। तो हम ऐसे कैसे वापस जा रहे हैं, गर्ल्स का भी देखते हैं, वो लोग आ रही हैं अभी, हम कुछ खाने के लिए बैठे हैं। मेरे को पहली बार तो बहुत तेज़ नींद आ रही है और भूख भी लग रही है, अब वेट कर रहे हैं उन लोगों का लड़कियाँ आ जाएँ, क्योंकि उनकी शॉपिंग प्रॉपर हो गई है शायद से, जितना मेरे को लग रहा है। उनके हाथ में भी 3-4 बैग देख लेते हैं हमने, तो मतलब उनकी शॉपिंग डन हो चुकी है, और उनकी हो जाए तो मतलब ठीक है, ट्रिप पे आराम से जा सकते हो। हमारी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी होना ज़रूरी था तो हो गई बस। अब आप कुछ खाएंगे यहाँ पर, और नीतू जी के साथ क्या तगड़ा प्लान करना है सर, आप इन्फ्लुएंसर हो। आगे 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 शॉपिंग भी तुम्हारी, शॉपिंग अशोक अशोक भाई सॉरी दी अशोक भाई अच्छी दीदी को कॉल करते अरे नाम आप लोग सोच रहे होंगे अशोक ऐश्वर्या से नाम ले रहे हैं, ये आपको लखनऊ ब्लॉग पे जो हमने आज प्रैंक करा था बहुत तगड़ा किसी के साथ, जरूर से देखना पता चल जाएगा फिर आपको। ये प्रैंक तुम लोगों के साथ हो जाता, इस लड़की ने फोन भूल गई बकेट में जो हमने रखी थी, उसमें भूल गई दोनों, मेरा भी और अपना भी न्यू आईफोन 13 प्रो जो भी आया उसके बाद, मेरा तो छोटा वाला, तो इसीलिए उसने बोला उसने से ऐसे दिखाया, मैंने अपना फोन उठा लिया थी आपके अपना, तो मेरा भी था शायद उसमें। ओ भगवान, एक कॉटेज चीज राइस बॉल, ओके, एक फ्लैट ब्रेड पिज्जा, एक नेवर एंडिंग कोक, और जो अच्छा हो बोले आना, 4-5 रसगुल्ले।
शॉर्टेज वेजिटेबल से क्या रोस्टेड खा ले। अरे वैसे बहुत सुंदर लग रही है आज। अपन ये क्या पी रहे हैं भाई? भाई हम तो सादा वाले हैं। देखो ये रहा, वो है एक इंसान। ब्रो ब्रो वो क्या है? ये है क्या एग्जैक्टली? ये है क्या? मुझे नहीं पता, क्या खा लो। यही दिक्कत होती है अच्छे रेस्टोरेंट में जाके, अजीब अजीब सी चीज आती है, सीधे सीधे रख दे कुछ भी। अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है, अभी वापस जा रहे हैं हम लोग फ्लाइट पे। देखो क्या वीडियो बना रहे, देखना इनको एक बार। देखो वो मैडम भागेगी, देखना अभी। अभी देखना ये कितनी सीटें भागते हैं, देखते हैं ये हमारी ओवर एक्टिंग करते। कैसे लग रहा है? इधर 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 ओरो बारो सूत दिया भाई, सूत दिया भैया। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकालती है मेरे पे यार, वीडियो वीडियो के बहाने ही सारे पिटने वाले लोग मेरी तरफ ही क्यों आते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से फ्लैट। उन्होंने गेट बंद कर दिया, ये तो क्या शू थोड़ा मोटा था तो बच गई मैं। पहुंच गए हम लोग और मैं फुल टू नींदों में हूँ, गाड़ी में भी सोता हुआ हूँ। क्या जोर से आंधी चल रही है यार भैया, बहुत मौसम खराब हो रहा है। और वो भी ना थंडरिंग। हाँ हम लोग कैसे जाएंगे? और पता है क्या सबसे ज्यादा किसकी फटती है? तू भी मेरे साथ ही है। मतलब मेरी भी ऊंचाई से फटती है और अगर टर्बुलेंस हो तो मेरी फटती है, बट ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी। अभी हम लोग बैठ के जो चीज डिस्कस कर रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यशी दी प्रैंक का रिवेंज लो, प्रैंक का रिवेंज लो। और मैं जैसे यहाँ आती हूँ ना, ये मेरा दिमाग खुराफाती बना देता है। अच्छा, आप ही बनाते हो, आप ही आइडिया कि तेरे साथ जो उसका बदला ले यार, जनता इंसाफ चाहती है। इंसाफ तो चाहती है, मैं सोच रही हूँ करना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। और यहाँ आगे तो आपको पता ही, हम थोड़े ज्यादा ही हो जाते हैं। आज हमने एक और प्रैंक किया था किसी के ऊपर। लेकिन ये वाला बेस्ट होने, ये वाला बहुत तगड़ा होने वाला है। हमारा जो गुची है उसकी बिस्किट्स, ठीक है, मैं एक हाथ में वो बिस्किट लूंगी और एक लूंगी पार्ले जी। मैं एक मतलब चुपचाप जाके, जैसे हम खाना खा रहे होंगे या फिर जो अब जब वो जगेगा नींदों में से, उसको क्या पता नहीं रहता, तो मैं उसको चुपचाप खिला दूंगी, ये ले खा पार्ले जी वाले खिलाऊंगी। तो पूछूंगी टेस्ट कैसा, ऐसा करके बताएगा मेरे को। ठीक है, जो भी वो अपने हिसाब से बताता है वो उसके ऊपर है। फिर मैं उसको बताऊंगी, देखो कुत्ते नहीं दीदी, ऐसे मत करो। सूरज अरे बहुत देर हो गई, 10 बज गए, उठ जाओ यार। क्या हुआ? कौन तेरे खराटे रिकॉर्ड कर रहा है? सूरज उठा, चाय पी लो थोड़ी सी। चाय पी लो यार, बताइए क्या है? छी थूक कर रहा हूँ। बेचारा। हाँ ये बता दो टेस्ट कैसा है? हाँ बता सूरज, इसमें और उसमें क्या फर्क है? हमें पता नहीं था, तू बता। खिला के बताता हूँ दोबारा। बहुत बुरे लेकिन मैंने उनका उनका प्लान था, वो बता के चले गए, हमने कर दिया। हाँ जाके इसको लग रहा है। पानी मंगो, चाय पिएगा? चाय पिएगा? यार ये कैसे सो रहा था ना?
इसको खूब नींद आई है सच में। ना ना खराटे लड़का कैसा टेस्ट है ये तो बता यार। मीठा था कैसा था? खट्टा। झूठा। क्यों आपने खाया नहीं है? पकड़ी गई है। कैसा लगा टेस्ट? ओह क्या टेस्ट लगा। तो ले और खा और खा। तीन पैकेट पैक करवा दी। सही है। मुझे लगता है नींदों में ना इसको भी ढंग से टेस्ट नहीं आया। शर्म कर ले। इसमें क्या शर्म करना। और अब ना तिल्ली हर जगह स्टोरी स्टोरी भी डालूंगी। सूरज ने कहा कुत्ते के बिस्किट और कुछ बोला भी नहीं। वो खुश था, उसे टेस्ट पसंद आया, उसके लिए और लेके आऊंगी। चुप हो जा अब चल। यार सूरज यार ये क्या बात होती है। दूसरा प्रैंक करूंगी तेरे ऊपर। मेरा रिवेंज प्रैंक तो तू है ना बड़ा वैसा ले रहा है। बकवास मत कर। ये मेरा आइडिया नहीं था, लगन भैया का आइडिया था। प्लानिंग देख हमारी। इधर बिस्कुट खाऊंगा चाय पीऊंगा। ये देख प्लानिंग देख हमारी। हाँ नहीं सीरियसली इसको नींदों में बता नहीं चला। तुझे कुछ पता नहीं चला? मैं बोल कर रही हूँ, तू तो साबित ही कर दिया खा के और कुछ बोला भी नहीं। तू तो खुश और है। दीदी गुची के सारे बिस्किट इसको दे दो। बेचारा गुची का खाया। गुची देखिए क्या हो गई। वो कितना बेवकूफ इंसान है आज आपको पता चला ये चीज। छोड़ो वो खा तो चुपचाप गया और इसको मतलब तुझे कोई फर्क नहीं लगा उसके अंदर। दीदी आप कहीं गुची को कुछ और तो नहीं खिला रहे हो? आजकल सेम मिलने लग गए दोनों के लिए। तू रोज खाता है क्या? तुझे पता है क्या हमने तुझे बिस्किट नहीं खिलाए, सिर्फ यही है मेरे हाथ में। मैंने तुझे वही खिलाया था और तू इतना बेवकूफ है कि तू मान भी रहा है। और क्या मतलब कितना बेवकूफ हो सकता है तू सूरज? सच में नहीं खिलाया? हाँ नहीं खिलाया दी। हे भगवान मौसम बहुत ही बिगड़ता हुआ। आंधी और बारिश चालू हो चुकी है यहाँ पर, आप सुन सकते हो आवाज। और कल हमारी फ्लाइट है। और ये सोच के लखनऊ को बहुत डर लग रहा है। क्या ये मौसम देख क्यों? हाँ टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होता है, फ्लाइट में डर लगता है उनको। वैसे ना मेरे को ये वेदर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे एंजॉय करना बहुत प्यारा लगता है। मेरे को साउंड भी बहुत अच्छा लगता है बारिश का, और ये मिट्टी की खुशबू जो आ रही है ना, आय हाय हाय। बट इट इज नॉट गुड फॉर फार्मर्स इस वक्त बारिश आना, क्योंकि इस वक्त मैंगोज और एक और चीज लीचीज उसका जो सीजन है वो पीक पर है, तो कटती बढ़ती है, तो इसकी वजह से सब खराब हो जाता है। चलो सो जाए, हो गया भाई आज का दिन खत्म। गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल। बाय।